Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपनी श्रृंखला में अभी तक हम विभिन्न प्रकार के राजनीतिक चिंतकों विभिन्न धाराओं के राजनीतिक चिंतकों के बारे में बातचीत कर चुके हैं आज हम दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बातचीत करेंगे दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे राजनीतिक चिंतक हैं जिनका वर्तमान समय की राजनीति पर काफ़ी गहरा प्रभाव है क्योंकि उनका नाम बार बार लिया जाता है उनके विचारों का जिक्र किया जाता है और वो एक प्रासंगिक चिंतक के रूप में उपलब्ध हैं मौजूद हैं हमारे सामने और आ, जो मुख्य बात दीनदयाल उपाध्याय की है वह यह कि उनकी मृत्यु साठ के दशक के आखिरी वर्षों में ही हो चुकी है लेकिन बार बार आ, जो उनकी प्रासंगिकता है वो उभर कर सामने आती रही एक वैचारिक नेता के रूप में और जो भारतीय दक्षिण पंथ है या जिसे हम हिंदू दक्षिणपंथी राजनीति कह सकते हैं उसमें दीनदयाल उपाध्याय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक के रूप में मौजूद हैं अपने राजनीतिक चिंतन में उन्होंने आ, एक नई दिशा देने की कोशिश की आ, जो भारतीय दक्षिण पंथ की सोच है उसको उसमें एक ज़्यादा उदार रूप में वह सोच सामने आती है ज़्यादा समावेशी रूप में वह सोच सामने आती है उनके चिंतन में और उन्होंने राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक जीवन के तमाम पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने इस बात पर ध्यान देने की कोशिश की कि किस तरीके से जो भारतीय राजनीति है वह ज़्यादा बेहतर दिशा में जा सकती है और उनकी जो पार्टी है यानी कि जनसंघ वह इसमें कैसे एक सार्थक भूमिका निभा सकती है और उनका उनके जो विचार है मिसाल के तौर पर अंत्योदय के विचार उनका बार बार जिक्र होता है तो आज का जो हम हमारी जो आज, आज की चर्चा है उसमें हम दीनदयाल उपाध्याय के बारे में विस्तार से एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम उनके आरंभिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे इसके बाद हम एकात्म मानववाद के उनके सिद्धांत की एक समझ बनाएंगे और इसी समझ की कड़ी में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे राष्ट्र को धर्म और राष्ट्र की अवधारणा को कैसे समझते हैं वो धर्मतंत्री राज्य सेकुलरिज्म और धर्म की अपनी धारणा में कैसे अंतर करते हैं लोकतंत्र के बारे में उनके क्या विचार हैं आर्थिक विचार उनके क्या हैं और वो अंत्योदय का सिद्धांत किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं आखिर में हम इनके विचारों के का कुछ आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे और उसके बाद हम अपनी चर्चा को विराम देंगे दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था और उनकी मृत्यु 11 फरवरी उन्नीस को हुई थी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद जैसे अंग्रेजी में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहा जाता है उसे उसे एक विचारधारा के रूप में दिया वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में उनकी गहरी अभिरुचि थी उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था जो नगला चंद्रभान फरह मथुरा के निवासी थे उनकी माता का नाम राम प्यारी था जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी पिता रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे रेल की नौकरी होने के कारण उनके पिता का अधिक समय बाहर ही बीतता था कभी कभी छुट्टी मिलने पर वे घर आते थे लेकिन दीनदयाल की उम्र जब तीन वर्ष की थी उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया अपने पति की मृत्यु के कारण उनकी माँ राम प्यारी अत्यधिक बीमार रहने लगी 8 अगस्त 1924 को उनका भी देहावसान हो गया उस समय दीनदयाल सात वर्ष के थे 1926 में नाना चुन्नी लाल भी नहीं रहे उन्नीस में पालन करने वाली मामी का निधन हो गया अठारह नवंबर उन्नीस को अनुज शिवदयाल ने भी उनका साथ सदा के लिए छोड़ दिया ये जो वर्णन है और 1935 में फिर उनकी स्नेहमय नानी का भी स्वर्ग सिधार हुआ तो यह जो वर्णन है वो इस बात को दर्शाता है कि, कि किस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय का जो आरंभिक जीवन था वह इस तरह की वेदना में ही बीता जहाँ वह लगातार अपने नज़दीक के लोगों को खोते रहे और इसके कारण से भी उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव पढ़ा होगा ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो जिसने उन्हें चिंतन मनन की ओर उन्मुख किया जिसने उन्हें काफ़ी हद तक जो अंतर्मुखी प्रवृत्तियां मानी जाती हैं एक बालक की उस ओर उनको आगे बढ़ाया 19 वर्ष की अवस्था तक उपाध्याय ने मृत्यु दर्शन का गहन साक्षात्कार कर लिया था वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे राजस्थान से दसवीं की परीक्षा में बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया 1937 में वे पिलानी से इंटरमीडिएट के परीक्षा में पुनः बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बने उन्नीस में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की प्रथम श्रेणी में एमए करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया और पूर्वार्ध में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए बीमार बहन रमा देवी की सुश्रूता में लगे रहने के कारण उत्तरार्थ ना दे सके उन्होंने अंग्रेज सरकार में नौकरी का मौका होते हुए भी नौकरी नहीं की उन्नीस में जब वह कानपुर से बीए कर रहे थे तब अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे की प्रेरणा से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का सानिध्य कानपुर में उन्हें मिला उपाध्याय यानी दीनदयाल उपाध्याय ने पढ़ाई पूरी होने के बाद संघ का दो वर्षों का प्रशिक्षण पूर्ण किया और संघ के जीवन वृत्ति प्रचारक हो गए आजीवन वे संघ के प्रचारक रहे, संघ के माध्यम से ही उपाध्याय राजनीति में आए 31 अक्टूबर उन्नीस को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई इसमें गोलवलकर की प्रेरणा निहित थी। गोलवलकर के बारे में एक अलग लेक्चर में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंचालक थे और पहले सरसंचालक केशव बलिराम हेडगेवार थे और जो दीनदयाल उपाध्याय थे जब वो संघ से जुड़े तो वो हेडगेवार की प्रेरणा से जुड़े लेकिन 1940 में हेडगेवार का निधन हो गया और उसके बाद जो गोलवलकर हैं वे सरसंघचालक बने और सरसंचालक के रूप में हालांकि उनकी रुचि राजनीति में रही नहीं थी लेकिन उन्होंने इस बात की अनुमति दी कि एक राजनीतिक संस्था के रूप में भारतीय जनसंघ का गठन किया जाए और भारतीय जनसंघ का जब गठन हुआ तो उसके साथ दीनदयाल उपाध्याय भी जुड़े कहा जा सकता है कि संघ ने दीनदयाल उपाध्याय को आरएसएस में भेजा उन्नीस में भारतीय जनसंघ का प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ दीनदयाल इस दल के महामंत्री बने डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी कार्यकुशलता और दक्षता से प्रभावित होकर कहा कि यदि मुझे दो दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। दीनदयाल उन्नीस तक भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे उन्नीस में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए वह मात्र तिरालीस दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे 10 ग्यारह फरवरी उन्नीस की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई उन्होंने राष्ट्रधर्म पांचजन्य और स्वदेशी जैसी पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ की कुल पंद्रह खंडों में उनका वांग में प्रकाशित किया गया है अगर एकात्म मानववाद के उनके सिद्धांत पर आगे बढ़ने से पहले हम इनके जीवन पर नज़र डालें तो कुछ एक बातें साफ़ हो जाती हैं एक तो ये कि एक युवक के रूप में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा को आकर्षक पाया और इस लिहाज से उनकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां वैसी ही रही जो आम तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की या उससे जुड़े लोगों की उस समय हुआ करती थीं इसका अर्थ यह है कि उन्होंने खुद को देश के राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा और वो एक हिंदू धर्म में जागृति लाने वाली राजनीति में भरोसा करते रहे और जब देश की राजनीति में आज़ादी का आंदोलन जोर पर था ख़ासतौर पर 40 के दशक में जब महात्मा गांधी एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर रहे थे दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन करके देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय दीनदयाल उपाध्याय इन सब गतिविधियों से दूर थे उन्होंने सीधे तौर पर देश की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया लेकिन इसे हमें इस रूप में समझना चाहिए कि जो अलग अलग राजनीतिक धाराएं थीं क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ी जनसंख्या से मिलकर बना हुआ देश है तो उसमें सभी लोग एक ही तरह की बात पर भरोसा करने वाले नहीं थे यह जो पूरा विचार था जिसके विचार के समर्थक दीनदयाल उपाध्याय भी बन गए थे यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार उसमें हिंदुओं के भीतर जागृति लाने हिंदुओं को गोलबंद करने और मुस्लिमों के बरक्स हिंदुओं को गोलबंद करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था राष्ट्रीय आंदोलन को इसलिए आकर्षण की चीज़ नहीं माना जाता था क्योंकि उसमें यह खतरा था कि पूरा संगठन अंग्रेजों के निशाने पर आ जाएगा और संगठन को काफ़ी नुकसान होगा तो इस लिहाज से यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपने जीवन में आज़ादी के पहले के दौर में वे बहुत सक्रियतापूर्वक या अनमने रूप में भी देश की आज़ादी के संघर्ष में शामिल नहीं हो पाए लेकिन जब वो देश की राजनीति में आए तो उन्होंने कुशलतापूर्वक चिंतन करते हुए देश के बुनियादी मुद्दों पर विचार किया उन्होंने यह कोशिश की कि देश की राजनीति को सही दिशा दी जा सके कम से कम वो ऐसी दिशा देना चाहते थे जिसे वो सही मानते थे और उन्होंने जो विचार व्यक्त किए उसमें इस बात की संभावना अवश्य थी कि वह जो हिंदू दक्षिण पंथ की राजनीति थी उसको ज्यादा उदार और समावेशी चेहरा दे सके जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे लेकिन यहाँ जो उनका जीवन है उसमें दो तीन और बातें महत्वपूर्ण हैं एक तो यह कि जिस रूप में राम मनोहर लोहिया गैर कांग्रेसवाद की परिकल्पना कर रहे थे उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने में दीनदयाल उपाध्याय ने भी एक साथ देने वाले व्यक्ति की भूमिका अदा की और एक स्थिति ऐसी भी आई कि जब दीनदयाल उपाध्याय के चुनाव का, का प्रचार करने के लिए राम मनोहर लोहिया भी आए और राम मनोहर लोहिया का प्रचार करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गए तो जो एक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी जहाँ पर कांग्रेस एक बड़े संगठन के रूप में था और उसको मजबूती देने के लिए गैर कांग्रेसी दलों को एकत्रित करने की बात हो रही थी उसमें दीनदयाल उपाध्याय ने भी अपनी अपना भरोसा जताया और उन्नीस के चुनावों में काफ़ी बड़ी पराजय कांग्रेस को देखनी पड़ी केंद्र में वो सत्ता से बाहर नहीं हुई लेकिन कई राज्यों में उसे गंभीर राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ा कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ हालांकि यह भी भारतीय राजनीति का एक संयोग ही माना जाएगा कि उन्नीस के कुछ समय बाद ही आ, पहले लोहिया का देहांत हुआ और फिर आ, कुछ और महीनों के बाद दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी गई दीनदयाल उपाध्याय की हत्या अभी भी एक अनसुलझा सा मामला ही भारतीय राजनीति में बना हुआ है आ, या बना रहा कभी भी इस बात कोई पूरी स्पष्टता नहीं आ पाई कि किन कारणों से किन लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की लेकिन जो मुख्य बात है यहाँ पर वह यह कि वह उस दौर के ऐसे राजनेताओं में थे और ऐसे राजनेता आज के दौर में काफ़ी कम हो गए हैं जो न सिर्फ सक्रिय राजनीति में थे बल्कि वो लगातार लेखन करते थे वो विभिन्न मुद्दों पर चिंतन करते थे अपने विचारों को साफगोई से रखते थे और साफगोई से उन विचारों पर संवाद करनी पर भी भरोसा रखते थे तो इस रूप में उनका जो राजनीतिक जीवन था वह काफी उथल पुथल से भरा रहा जो व्यक्तिगत जीवन था वह भी कई त्रासदियों से भरा रहा जहां पर अपने परिवार में उन्हें कई मृत्यु का सामना करना पड़ा जब वो छोटे से बड़े हो रहे थे उस समय तो इस लिहाज से वो एक ऐसे राजनेता के रूप में सामने आते हैं जिसने देश में कांग्रेस के वर्चस्व के दौर की राजनीति में एक वैकल्पिक और समानांतर राजनीति की और यह कोशिश की कि वह अपने विचारों से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर सके और इस लिहाज से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भी सामने आते हैं अब हम एकात्म मानववाद के उनके सिद्धांत की समझ बनाने की कोशिश करेंगे एकात्म मानववाद या इंटीग्रल ह्यूमनिज़म के सिद्धांत को सर्वप्रथम उन्नीस में जनसंघ के ग्वालियर अधिवेशन में रखा गया सन उन्नीस में अगले ही वर्ष जनसंघ की विजयवाड़ा अधिवेशन में इसे विधि अंगीकार किया गया दीनदयाल ने 22 से 25 1965 तक चले चार दिवसीय व्याख्यान मानववाद दर्शन पर विस्तृत परिचर्चा की एकात्म मानववाद एक ऐसी धारणा है जो सर्पिलाकार मंडलाकृति द्वारा स्पष्ट की जा सकती है इसके केंद्र में व्यक्ति है व्यक्ति से जुड़ा हुआ घेरा परिवार परिवार से जुड़ा हुआ एक घेरा समाज जाति फिर राष्ट्र विश्व और फिर अनंत ब्रह्मांड को अपने में समाविष्ट किए हुए हैं इस अखंड मंडलाकार आकृति में सभी एक दूसरे से जुड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए एक दूसरे के पूरक एवं स्वाभाविक सहयोगी हैं इनमें कोई संघर्ष नहीं है तो ये मानववाद एक तरीके से सभी व्यक्तियों में एक जुड़ाव की भावना को सामने रखता है इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति है वह सबसे केंद्र में है लेकिन वह जो अन्य सामाजिक स्तर हैं उससे वह जुड़ा हुआ है और यह जो सामाजिक स्तर है वह उसमें राष्ट्र एक स्तर है और फिर वो आगे जाकर अनंत ब्रह्मांड को भी इसमें समाविष्ट कर लेता है इस लिहाज से अगर हम देखें तो हम यह पाएंगे कि वो हर व्यक्ति को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं उनस में कोई संघर्ष नहीं देखते हैं हालांकि यह बात भी साफ़ है कि जब वो विस्तार से इन बातों को रखते हैं तो वो वैश्विक स्तर से ज़्यादा उनका जोर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को एक तरीके से समाविष्ट करने के रूप में आती है और वो राष्ट्र के स्तर पर नीतियों की बात करते हैं राष्ट्र के स्तर पर जो विभिन्न समूह हैं उनके जुड़े होने की बात करते हैं लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखना होगा कि जो एकात्म मानववाद की जो पूरी परिकल्पना है वह सिर्फ राष्ट्र स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड के सभी तत्वों के एक दूसरे से जुड़े होने और एक दूसरे के भाग के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने एक दूसरे से संवाद करने की एक परिकल्पना के रूप में सामने आता है तो इसमें हम अब इस बात पर ध्यान देंगे कि जैसे कि वो किस तरीके से अलग अलग जो पहलू हैं मानव जीवन के या भारत के लोगों के जीवन के उनको रखते हैं सबसे पहले हम राष्ट्र के बारे में उनके विचार को देखते हैं दीनदयाल कहते हैं कि जब कोई मानव समूह निर्धारित लक्ष्यों एवं आदर्शों के साथ जीवन यापन करता है और भूमि के एक हिस्से जहां वो निवास करता है के प्रति प्रेम और मातृभूमि का भाव संजोता है तो ये तथ्य एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं यदि लक्ष्यों अथवा आदर्शों में किसी एक भी तत्व का अभाव हो तो राष्ट्र का निर्माण असंभव हो जाता है इनमें से आ, किसी एक के भी अभाव में मातृभूमि का जन्म नहीं ले पाता यानी कि जो जितने अगर मनुष्यों का एक समूह है मिसाल के तौर पर हम भारत को देखते हैं तो भारत में दीनदयाल उपाध्याय के हिसाब से अगर हम राष्ट्र कहते हैं भारत को तो इसका अर्थ यह है कि भारत के सभी लोगों के जो लक्ष्य हैं और उनके जो आदर्श हैं वो एक जैसे हैं और उसमें जो एक एकता है वह उनके भीतर एक पूरे भारतवर्ष को एक मातृभूमि मानने का भाव उपजाता है लेकिन अगर इसमें इस समूह में कोई एक छोटा समूह या कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो भारत के लक्ष्यों से और भारत के आदर्शों से खुद को जुड़ा हुआ नहीं पाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मातृभूमि की भावना का उदय नहीं हो पाएगा मनुष्य के शरीर में आत्मा एवं स्व होता है यही समस्त मनुष्य का सार है अगर यह आत्मा अथवा स्व शरीर का साथ छोड़ दे तो व्यक्ति को मृत माना जाता है इसी तरह किसी राष्ट्र के आदर्श मौलिक सिद्धांत और मातृभूमि का भाव उस राष्ट्र की आत्मा होते हैं किसी भी राष्ट्र की एक आत्मा होती है और दीनदयाल इसे चित्ती का नाम देते हैं चित्ती का मतलब यह है या चित्त बोल सकते हैं इसको चित्ती वहाँ इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा भाव है राष्ट्र की आत्मा का भाव जिसमें राष्ट्र के आदर्श मौलिक सिद्धांत और मातृभूमि का भाव एक साथ जुड़ा होता है चित्ती एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सार्वभौमिक चेतना और यही दीनदयाल के एकात्म मानववाद का के दर्शन का मूल है चित्ती के बारे में वो आगे कहते हैं कि, कि किसी भी कर्म के गुण एवं दोष निर्धारित करने का माध्यम चित्ती होती है यानी कि एक राष्ट्र का एक आदर्श उसका मौलिक सिद्धांत और मातृभूमि का भाव अर्थात वो सब कुछ जो हमारे स्वभाव या चित्ती के अनुरूप होता है सिर्फ उसमें से सिर्फ वही स्वीकार्य होता है और ये स्वभाव राष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा बन जाता है तो ये राष्ट्र निर्माण में समस्त देशवासियों को इसी चित्ती के साथ आगे बढ़ना चाहिए यानी कि एक ऐसी भावना जिसमें जिसे हम अपना राष्ट्र कहते हैं उसके आदर्श उसके मौलिक सिद्धांत और मातृभूमि का भाव हमारे अंदर निहित हो और इसके आधार पर हम दूसरे लोगों से खुद को जुड़ा हुआ माने और इस जुड़ाव के आधार पर ही हम अपने काम को तय करें तो ये जो चित्ती होती है वह एकात्म मानववाद के एक मूल तत्व के रूप में सामने आती है इस लिहाज तो से हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र की अवधारणा है वह दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में है और उस राष्ट्र की अवधारणा में जो चित्ती की अवधारणा है वह एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में है यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा दीनदयाल उपाध्याय विविधता पर अत्यधिक बल देने को राष्ट्र के लिए सही नहीं मानते हैं वे एक ऐसी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं जिसके आधार पर देश के किसी समुदाय का एक समारूपी सभी समुदायों का एक समारूपी समुदाय में निर्माण संभव है वे हिंदू महासभा जैसे संगठनों के पक्ष में नहीं थे जो मुस्लिमों को भारत की मुख्य धारा का मांग भाग मानने से इनकार करते थे दीनदयाल मुस्लिमों और ईसाइयों को एक ही शरीर का अलग अलग भाग मानते हैं यहाँ कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है जैसे आ, अगर हम आम तौर पर आ, भारत में मौजूद राजनीतिक चिंतन को देखें तो उसकी एक धारा ऐसी रही है जिसमें विविधता में एकता की बात कही जाती है यानी कि विविधता पर एक जोर रहता है और आगे चलकर हमारे संविधान ने भी इस बात को माना कि ये एकता यहाँ पर है पर विविधता को भी मान्यता दी गई है एकता विविधता पर पर्दा डालकर या उसे मिटाकर करने की बात हमारे संविधान में नहीं कही गई हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं कही गई लेकिन दीनदयाल उपाध्याय इसकी एक आलोचना प्रस्तुत करते हैं और उनका कहना ये है कि विविधता पर अत्यधिक जोर देने के कारण जो एकता का तत्व है वो थोड़ा कमजोर हो गया है और इससे नतीजा यह निकला है कि हम यह मान लेते हैं कि हमारे देश की कोई एक संस्कृति नहीं है कोई एक कुछ ऐसे तत्व नहीं हैं जो भारत का निर्माण करते हैं हालांकि संविधान की बातों को लोग इसमें मान सकते हैं लेकिन वो सांस्कृतिक स्तर पर इस बात पर जोर देते हैं दीनदयाल उपाध्याय है। और उनका यह कहना है कि एक भारतीय संस्कृति है और उसके आधार पर सभी समुदायों को हम समरूपी समुदाय मान सकते हैं उनका निर्माण एक समरूपी समुदाय के रूप में कर सकते हैं लेकिन जिस रूप में दीनदयाल उपाध्याय इसको देखते हैं वह गोलवलकर से अलग है गोलवलकर एक तरीके से काफ़ी खुले रूप में अल्पसंख्यक समुदायों को हिंदू सांस्कृतिक धारा में सम्मिलित करने की बात करते हैं लेकिन जो दीनदयाल उपाध्याय हैं उनका कहना यह है कि जो यह एक समावेशी भारतीय संस्कृति निर्मित होगी उसमें सभी लोग इसके हिस्से होंगे और निश्चित रूप से जो बाहर के समूह हैं उनको बदलकर इसमें शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन हमें कुछ भारतीय चीज़ों की पहचान करनी होगी और उसमें उनको ढालना होगा और वह गोलवल कर, जो जिन ख़ास पर उनके कुछ लेखन में जो बात आती है मुस्लिमों और ईसाइयों को बहिष्कृत करने की या फिर हिंदू महासभा के विचारों से खुद को अलग करते हैं जो पूरी तरीके से मुस्लिमों और ईसाइयों को अलग मानते हैं और इसके स्थान पर वो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम और ईसाई हैं वो भी भारत रूपी देश का एक भाग हैं अलग अलग भाग हैं उनकी अपनी भूमिका है और इस रूप में वो एक समावेशी समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं तो ये आ, जो एक पूरी अवधारणा है वो दीनदयाल के विचारों में काफ़ी महत्वपूर्ण है एकात्मानवाद और यह एकात्मानुवाद विविधता को मिटाने पर जोर नहीं देता है पर विविधता पर अत्यधिक बल भी नहीं देता है बल्कि यह एक भारतीय संस्कृति की परिकल्पना करता है राज्य के बारे में भी दीनदयाल उपाध्याय ने महत्वपूर्ण रूप से विचार व्यक्त किए दीनदयाल राज्य को सर्वोपरि मानने की वकालत नहीं करते हैं उनका तर्क है कि राज्य को सर्वोपरि मानने के कारण विश्व में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इन सभी समस्याओं का एकमात्र कारण व्यक्तियों द्वारा यह स्वीकार किया जाना है कि राज्य समाज का पर्याय है और राज्य को ही समाज पर का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाना चाहिए इसी प्रवृत्ति के कारण अन्य सभी संस्थाओं के प्रभाव में गिरावट आई है इसी वजह से राज्य का प्रभाव बहुत बढ़ गया है यह इस कदर हावी हो चुका है कि राज्य में निहित सभी शक्तियाँ केंद्रीकृत हो रही हैं दीनदयाल आगे कहते हैं कि भारत में राज्य को राष्ट्र का एकमात्र प्रतिनिधि कभी नहीं माना गया ऐसा उस समय भी नहीं हुआ जब भारतीय राज्य विदेशी आक्रांताओं के हाथों में गया था जब आम राष्ट्रीय जीवन निर्बाध रूप से आगे बढ़ता गया इसलिए राज्य को सर्वोच्च संस्था नहीं माना जाना चाहिए सामाजिक संरचनाएँ जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि मौलिक तौर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए दीनदयाल ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक भारतीय अपने समाज की विभिन्न संरचनाओं एवं संस्थाओं का अंग बने रहते हैं जैसे एक व्यक्ति किसी कुटुंब का अंग होने के साथ साथ धर्म जाति व्यापार इत्यादि का भी अंग होता है समाज से आगे अगर देखें तो वही व्यक्ति पूर्ण मानवता का भी अंग होता है और इस चराचर जगत का भी अंग होता है कुल मिलाकर वे यह कहते हैं कि व्यक्ति एकांगी नहीं हो सकता बल्कि बहुअंगी है व्यक्ति बहुअंगी होकर भी पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय और एकात्मकता के साथ जीवन यापन कर सकता है अतः जो व्यक्ति इन सभी गुणों को साथ लेकर चलता है वह सुखी रहता है और जो इनसे दूर हो जाता है वह समस्याओं को आमंत्रित करता है और दुखी रहता है कुल मिलाकर जो दीनदयाल उपाध्याय का राज्य संबंधी चिंतन है उसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो समाज के विभिन्न पहलू हैं विभिन्न आयाम हैं उन और विभिन्न संरचनाएँ हैं उनका अपना महत्व है और यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है कि जो राज्य है वह उन सभी चीज़ों को शासित करे या उन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करे या राज्य को सबसे सर्वोच्च संस्था मान लिया जाए तो एक तरीके से वो सामाजिक जीवन और सामाजिक जीवन के माध्यम से सांस्कृतिक जीवन की स्वायत्तता की वक़ालत कर रहे हैं और वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये सभी संरचनाएँ जो होती हैं वह मनुष्यों के या व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसमें आ, व्यक्ति जो होता है अभिन्न रूप से जुड़ा होता है और जो व्यक्ति इनके बीच में एक संतुलन बना पाता है वह ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है तो आ, सिर्फ राज्य के आधार पर या राज्य के नियंत्रण में सभी चीजों को देना सही नहीं है और निश्चित रूप से अः जो इनका यह विचार है वह राज्य के स्तर पर केंद्रीकरण का विरोध करते हैं हालांकि आगे हम यह देखेंगे कि वो संघवाद के विचार को भी बहुत आकर्षक नहीं मानते हैं लेकिन उनका विचार एक तरीके से सर्वाधिकारवादी शासन के खिलाफ जाता है और अगर हम यह देखेंगे कि मौजूदा समय में राज्य का नियंत्रण जो है वह व्यक्ति के जीवन में लगातार बढ़ते जा रहा है और वह नियंत्रण कैसे बढ़ रहा है वह नियंत्रण बढ़ रहा है विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं के कारण विभिन्न प्रकार के पहचान पत्रों के माध्यम से और राज्य जो है वह व्यक्ति की निजता पर भी कई बार हमला करते हुए दिख सकता है तो ऐसे में जो दीनदयाल उपाध्याय का विचार है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है शासन प्रशासन चलाने के लिए लोगों के भलाई के लिए लेकिन उसके साथ साथ जो समानांतर रूप में समाज की अन्य संस्थाएं हैं उनका भी अपना महत्व है वे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं इसलिए राज्य को कभी भी यह दावेदारी नहीं करनी चाहिए कि वह व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण अंग को नियंत्रित कर सकता है या फिर व्यक्तियों को राज्य को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वह समाज के जो विविध आयाम हैं उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करें अब हम धर्म और राष्ट्र की अवधारणा जो दीनदयाल उपाध्याय प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में बात करेंगे दीनदयाल ये मानते थे कि, कि किसी राष्ट्र की चित्ती को व्यक्त करने और बनाए रखने में सहायक विधियों एवं विधानों को राष्ट्र के धर्म के रूप में जाना जाता है अर्थात धर्म स्वतः ही सर्वोच्च हो जाता है दीनदयाल के अनुसार धर्म ही वह तत्व है जिसमें एक राष्ट्र की आत्मा का वास होता है यदि धर्म नष्ट हो जाए तो वो राष्ट्र भी नष्ट हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति धर्म का परित्याग करता है तो वास्तविक रूप में अपने देश का के साथ विश्वासघात करता है अब यहाँ वो आ, रिलीजन और धर्म में अंतर भी करते हैं अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का अर्थ हिंदी में शाब्दिक आ, रूप में किसी पंथ या संप्रदाय से जुड़ा हु, हुआ होना होता है मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी पंथ या धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो उसकी रिलीजन को बताता है दीनदयाल के लिए धर्म का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है अतः पंथ अथवा संप्रदाय से जुड़े होने का आशय धर्म से जुड़ा होना नहीं है धर्म एक बेहद वे, व्यापक अवधारणा है और व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है धर्म समाज का आधार है और कर्तव्य भावना के कारण समस्त विश्व को किसी न किसी जरिए से जोड़े रखता है अंततः जो धारण किया जाए वही धर्म है तो इस लिहाज से और ये बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता और कई दूसरे विद्वान भी इस बात पर जोर देते रहे कि धर्मनिरपेक्षता एक गलत शब्द है उसकी जगह पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो ये सारी बातें एक तरह से दीनदयाल के चिंतन में ही सबसे पहले उभर कर सामने आई हालांकि एक लिहाज से महात्मा गांधी भी इसी तरह की बात करते थे और वो धर्म और राजनीति के संदर्भ में धर्म के जुड़ाव की बात करते थे और यहीं पर वो धर्म राज्य और थियोक्रेटिक स्टेट में भी अंतर करते हैं दीनदयाल के अनुसार धर्म राज्य विभिन्न मतों को मानने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है वहीं दूसरी ओर थियोक्रेटिक राज्य सिर्फ एक पंथ अथवा मत विशेष द्वारा शासित होता है वहाँ उस मत या पंथ के धर्म के नियमों प्रथाओं और कानूनों के हिसाब से ही राज्य के विभिन्न कार्य निर्धारित होते हैं इसके इतर धर्म राज्य व्यक्ति की शांति सुरक्षा खुशी और प्रगति के जरिए धर्म की महत्ता को स्वीकार करता है धर्म राज्य एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के मत अथवा पंथ का पालन कर पाता है दीनदयाल कहते हैं कि धर्म राज्य में अपने मत या पंथ का पालन करने उसे मानने की स्वतंत्रता होती है और अन्य मतों या पंथों के लिए सम्मान और सहिष्णुता की भावना जागृत होती है तो ये जो थियोक्रेटिक स्टेट और धर्म राज्य की पूरी अवधारणा है यानी कि एक तरफ वो थियोक्रेटिक स्टेट को रखते हैं और दूसरी तरफ धर्म राज्य को वह धर्म के बारे में उनके विचार से ही सामने आती है मतलब यह कि एक तरफ वो धर्म को रिलीजन का पर्याय नहीं मानते हैं बल्कि उसे एक ऐसा दायरा मानते हैं जो लोगों के कर्तव्य के बारे में उनके जीवन जीने की नैतिक संहिता के बारे में बताती है और दूसरी तरफ वो यह कहते हैं कि इस तरह के धर्म पर आधारित जो धर्म राज्य होता है वह अलग अलग पंथों को एक मौका देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार यानी कि अपने पंथ के अनुसार अपने जीवन का यापन करें इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी जो राष्ट्र है वहाँ पर एक धर्म जरूर होगा वह धर्म जो है वो उस राष्ट्र के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्यों को को प्रदर्शित करेगा और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य होगा वह यह कि जो अलग अलग पंथ हैं मिसाल के तौर पर अगर हम भारत के समाज की बात करें तो भारत का जो एक धर्म होगा उसमें जो अलग अलग धर्म या पंथ होंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उन सभी को यह आज़ादी होगी कि वे अपने हिसाब से अपनी अपना जीवन यापन कर सकें इसमें एक सहिष्णुता की भावना रहेगी वहीं थियोक्रेटिक स्टेट जो होता है दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि वह तो बस एक ही प्रकार के पंथ को मानता है अगर वहाँ पर मुस्लिम धर्म जो है उसको एक राज्य धर्म का दर्जा दे दिया जाता है तो बस उसी के प्राथमिकता रहती है और बाकी सारे धर्मों को मान्यता नहीं दी जाती है तो वो एक अलग रूप में धर्म की परिकल्पना करते हैं और आगे हम यह देखेंगे और मैं इस चीज़ को थोड़ा यहाँ आपके सामने स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्मानवाद का विचार है उसके बाद जिस तरीके से वो राष्ट्र का विचार रखते हैं उसके मूल में वो चित्तिक के विचार को रखते हैं तो अगर हम उसको एक व्यापक रूप में देखें तो उसका अर्थ क्या है उसका अर्थ यह है कि अगर हम भारत का उदाहरण लेते हैं तो वो यह कह रहे हैं पहली बात कि हमें यह नहीं मानना है कि भारत का जो अपना कोई एक अपनी धर्म या संस्कृति नहीं है यानी कि वो ये कहते हैं कि भारत के विविधता पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है भारत की विविधता पर इस तरीके से जोर दिया जाता है जैसे अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ हैं और उसके एक समुच्चय के रूप में भारत बन गया है तमिलनाडु की अपनी संस्कृति है केरल की के अपनी संस्कृति है बिहार की अपनी संस्कृति है हिंदुओं की अपनी संस्कृति है मुस्लिमों की अपनी संस्कृति है सिखों की अपनी संस्कृति है तीन दयाल उपाध्याय कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है बल्कि विविधता है लेकिन उससे ज़्यादा एकता पर जोर देने की जरूरत है और वह एकता जो एक भारतीय चित्ती के रूप में या भारतीय संस्कृति के एक तत्व के रूप में सामने आती है वह भारत के विविध जो धर्म हैं उनके मूल्यों के समुच्चय से ही बनेगी उसमें जो अच्छे तत्व होंगे उनको लेकर बनेगी एक ऐसी एक ऐसे धर्म के रूप में भारत का धर्म होगा जो कि इन सब तत्वों को या इनके महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित कर, कर बनेगा और इसके नीचे किसी प्रकार की कट्टरता नहीं होगी बल्कि जो अलग अलग तरह के मत हैं उनको स्वतंत्रता रहेगी अपने आप को अभिव्यक्त करने की लेकिन इस पूरी वर्णन में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि सकारात्मक रूप से वह जो एक कट्टर विचारधारा हो सकती है जहां पर अल्पसंख्यक समूहों का स्थान नहीं दिया जाएगा यह कहा जाता है उससे यह काफ़ी उदार और समावेशी विचारधारा है लेकिन इसके साथ खतरा ये है जिसके बारे में आगे थोड़े और विस्तार में हम बात करेंगे कि यह जो भारत का जो एक धर्म होगा वो मोटे तौर पर यहाँ के बहुसंख्यक धर्म के प्रतीकों उसकी आस्थाओं से ही बनेगा सिर्फ उससे नहीं बनेगा लेकिन उससे भी बनेगा और वो उसका बड़ा भाग होगा ऐसे में इसके साथ एक खतरा मौजूद है कि जिस रूप में दीनदयाल उपाध्याय एक भारत के धर्म की या धर्म राज्य की बात करते हैं वह मोटे तौर पर हिंदुओं के धार्मिक मूल्यों के से ही बना होगा जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदाय असहज महसूस कर सकते हैं लेकिन इसके बावजूद यह बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि दीनदयाल उपाध्याय कम से कम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो दूसरे मत हैं वह आराम से स्वच्छता स्वच्छंदता से इस पूरी परिवेश में रह सकते हैं खुद को व्यक्त कर सकते हैं वह यह नहीं कहते हैं कि यहाँ पर कई जो दूसरे पंथ हैं उनको निकलने की ज़रूरत है तो वो एक उदार रूप में पूरी अवधारणा को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं अपने धर्म राज्य की अवधारणा के माध्यम से तो साफ तौर पर वह विविधता पर अत्यधिक बल देने को खारिज करते हैं मुस्लिमों ईसाइयों को बहिष्कृत करने की बात को खारिज करते हैं और इस बात को खारिज करते हैं कि कुछ एकदम से धर्म विहीन स्थिति हो सकती है और उसके आधार पर एक राष्ट्र अपना जीवन संचालित कर सकता है तो इन सब बातों को खारिज करके वो एक धर्म की बात करते हैं राष्ट्र के महत्व की बात करते हैं और उसमें जो समाज के अल्पसंख्यक समूह हैं उनको भी एकात्म रूप से जोड़ने की बात करते हैं और यही उनके एकात्म मानववाद का सार तत्व है जैसे मैंने पहले कहा कि एकात्म मानववाद सिर्फ राष्ट्र स्तर तक सीमित नहीं होता है पर दीनदयाल उपाध्याय के लेखन और चिंतन में राष्ट्र की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आती है लेकिन अगर हम व्यापक रूप से देखें तो एकात मानवाद इससे परे जाकर एक बड़े चिंतन के रूप में भी सामने आती है लोकतंत्र के बारे में इनके क्या विचार थे हम इस पर अब बातचीत करेंगे। राजनीति में दीनदयाल उपाध्याय 1950 के दशक में सक्रिय होते हैं जब देश को आजादी मिल चुकी थी और उन्होंने नियंत्रित लोकतंत्र की अवधारणा पर जोर दिया नियंत्रित लोकतंत्र की अवधारणा पर जोर देने से इनका आशय यह था कि लोगों को बहुत सारे अधिकार जो संविधान ने दिए हैं वो उन्हें मिले होने चाहिए लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि जो लोग हैं वो बिना किसी ज्ञान के बिना किसी जानकारी के अर्ध शिक्षित रूप में अपने विचारों को व्यक्त करते रहें सड़क पर आते रहें अव्यवस्था फैलाते रहें क्यों क्योंकि यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है इसके बजाय लोकतंत्र का स्वरूप यह होना चाहिए जहाँ पर लोग शिक्षित हों यहाँ तक कि उन्होंने एक बार संदेह भी व्यक्त किया कि आ, बिना शिक्षित लोगों को या बिना साक्षरता प्राप्त के लोगों को मताधिकार क्यों क्यों दिया जा रहा है हालांकि बाद में उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि जो राज्य है उसकी एक भूमिका होनी चाहिए लोगों का शिक्षण करने में जो अलग अलग मुद्दे हैं उन तक लोगों के बारे में जानकारी पहुंचाए लोगों को उनके कर्तव्यों के बारे में बताए तो ये काम वो चाहते थे कि सरकार करें और सबसे बड़ी बात यह है कि वे हर बात पर सड़क पर उतरकर विरोध करने को भी सही नहीं मानते थे बल्कि उन्होंने इसे नकारात्मक देशभक्ति की संज्ञा दी ये जो एक विचार है वह काफ़ी हद तक अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के विचार से मिल जाता है अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नैतिकता का विचार है उसमें बहुत सारी बातें नहीं थे लेकिन उसमें एक बात यह जरूर है कि जिसमें अंबेडकर यह कहते हैं कि अब वह दौर चला गया जब हम बात बात पर सत्याग्रह का सहारा लेते थे अब दौर यह है कि हमारे पास एक संविधान है संविधान में कुछ नियम बने हुए हैं उसमें कुछ प्रावधान हैं उसके माध्यम से हर किसी को काम करना है तो अगर हमारा हमारी कोई मांग है तो उसको प्रस्तुत करने का एक पूरा तरीका है अब हम हर बात पे सड़क पर नहीं उतर सकते हैं यही बात दीनदयाल उपाध्याय भी कहते हैं और एक तरीके से वो चाहते हैं कि विपक्ष ज़्यादा रचनात्मक भूमिका निभाए आ, हालांकि मैं यहाँ स्पष्ट करूँगा कि जो अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो की जो अवधारणा है वो ज़्यादा व्यापक है और वो इसमें मान कर चलते हैं कि जो दूसरे आ, सत्ताधारी लोग हैं या पदों पर बैठे लोग हैं संविधान की नैतिकता से वो भी बंधे हैं यानी उन्हें भी अपना काम सही तरीके से करना चाहिए अब अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं तो क्या आम जनता सड़कों पर विरोध ना करे अंबेडकर का जवाब शायद इस संदर्भ में यही होगा कि आम जनता को विरोध करना चाहिए लेकिन इस पूरे विवाद को अभी हम एक तरफ रखते हैं हम दीनदयाल उपाध्याय पर वापस आते हैं दीन उपाध्याय इस बात पर जोर देते हैं हालांकि वो विपक्ष के नेता थे पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो हर बात पर विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि एक ज़्यादा रचनात्मक रूप में लोगों को अपने विपक्ष को अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए और हर बात पर सड़क पर उतरने को उन्होंने नकारात्मक देशभक्ति की संज्ञा दी और इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि जब राजनीतिक दल अपने किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारें तो उसे उन उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और विचारधाराओं पर ध्यान देना चाहिए वे विचारधारा को काफ़ी महत्व देते हैं मतदाताओं से उनकी यह अपेक्षा थी कि वे दल के बजाय आदर्श को वोट दें वे व्यक्ति के बजाय पार्टी को वोट दें किसी भी उम्मीदवार को उसके पैसे या ताकत के कारण वोट ना दें उन्होंने अच्छा यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि एक चीज़ जो बार बार आती है जिसे बाद में भारतीय जनता पार्टी जब उभर कर सामने आई जनसंघ के खत्म होने के बाद उन्नीस सौ में यानी कि जन जन्स भारतीय जनसंघ एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी उन्नीस में इमरजेंसी लगा उन्नीस में जब प्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी विपक्षी दलों या कई प्रमुख विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया तो भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में मिल गया और उसके बाद 1980 में जनता पार्टी की जब सरकार बिखर गई तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ इस तरह से भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में सत्ताधारी पार्टी है और सबसे मजबूत पार्टी भी है उसका पूर्ववर्ती रूप है तो उसमें अगर उसकी राजनीति में बात के दौर में कई सारे ऐसे बातें उभर कर सामने आई जो दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से जुड़ी हुई थी मिसाल के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद अ एक अलग पार्टी बनाना चाहते थे एक ऐसी पार्टी जो बाकी पार्टियों के तरह नहीं है जो सत्ता के लिए किसी प्रकार के समझौते करने में विश्वास नहीं रखती है यानी ये किसी भी हद तक जाकर समझौता कर लो उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के विचार पर जोर दिया पर वो अपनी विचारधारा को कायम रखते हुए वो यह चाहते थे कि विचारधारा के प्रति जो समर्पित लोग हैं उन्हें चुनावी राजनीति में आगे बढ़ाया जाए और सिर्फ यही बात नहीं वो मतदाताओं से भी बहुत अपेक्षाएं रखते थे तो एक तरीके से जो पार्टी विद अ डिफरेंस की जो बात है वह भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक स्लोगन है वह दीनदयाल उपाध्याय से आता है और दीनदयाल उपाध्याय ने इसका काफ़ी प्रयास भी किया कि उनके दल में ऐसे लोग आगे बढ़े जो विचारधारा के प्रति समर्पित हैं जो जिनके पास बहुत धनबल नहीं है वे ये चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो रजवाड़ों के लोग हैं वो राजनीति में सक्रिय हों लेकिन वो यह नहीं चाहते थे कि ये लोग अपने पैसे के दम पर ऐसा करें तो एक तरीके से उनका जो पूरा विचार था वह यह था कि राजनीति में एक सुचिता होनी चाहिए भ्रष्टाचार का प्रतिरोध होना चाहिए और विचारधारा के आधार पर यानी कि कोई किस तरीके से समाज बनाना चाहता है देश बनाना चाहता है उसके आधार पर लोगों को मतदाताओं के पास जाना चाहिए और मतदाताओं को भी व्यक्ति के बजाय विचारधारा पर ध्यान देते हुए और इसके साथ ही व्यक्ति के पैसे को ना देकर उसके चरित्र को यानी कि उम्मीदवार का चरित्र और उसकी विचारधारा दोनों को देखते हुए वोट देना चाहिए हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की राजनीति है वह वहाँ से एक अलग दिशा में जा चुकी है खुद जिस पार्टी की वकालत दीनदयाल उपाध्याय करते हैं वह भी उन आदर्शों से काफ़ी दूर ही लगती है बहरहाल हम सब जानते हैं कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ने संघीय व्यवस्था को खारिज किया इसके स्थान पर उन्होंने एक केंद्रीकृत व्यवस्था की अनुशंसा की वे भारत को राज्यों का संघ कहने के खिलाफ थे उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को खारिज किया और ये सारी बातें उनकी जो उनका जो एक प्रमुख विचार था कि विविधता के बजाय एकता पर जोर देने की जरूरत है उससे आती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि जब हम भारत को राज्यों का संघ कहते हैं अलग अलग राज्यों की विविधता को इतना ज्यादा महत्व देते हैं तो उससे जो भारत की जो पूरी एक एकता की संभावना या एक भारतीय धर्म या संस्कृति बनने की जो संभावना है वो धूमिल होती है तो इसलिए वो भाषाई आधार पर राज्य नहीं चाहते थे वो संघवाद की आलोचना करते हैं वो भारत को राज्यों का संघ कहने की भी आलोचना करते हैं आलोचना करते हैं अब हम आ, उनके आर्थिक विचार और व्यक्ति के उद्देश्य के बारे में दिए गए विचारों पर बातचीत करेंगे दीनदयाल ने अपने एकात्म मानववाद में आर्थिक सिद्धांतों का भी विस्तार से वर्णन किया है इन आर्थिक विचारों का पालन करने से विकास एवं आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है ये पूंजीवाद तथा साम्यवाद के बारे में कहते हैं कि ये दोनों ही विचार और इनकी आर्थिक नीतियाँ एकात्म मानव उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और आकांक्षाओं पर ध्यान देने में पूर्णतया नाकाम रही हैं पूंजीवादी विचारधारा व्यक्ति को स्वार्थी और सिर्फ भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए धन अर्जित कर करने वाला बना देती है और उसे प्रतिस्पर्धा के गहरे भवर में अकेला छोड़ देती है दूसरी ओर साम्यवादी नीतियाँ अपनी केंद्रित नीतियों और व्यवस्थाओं में व्यक्ति को सिर्फ एक बेजान पहिया बना देती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि उस समय तक जो सोवियत यूनियन था उसके प्रयोग की नाकामियाँ दुनिया में सामने आने लगी थी कि किस तरह से वहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण हुआ स्टालिन ने बहुत सारे लोगों का दमन किया क्योंकि वो एक आदर्श राज्य के बारे में स्टालिन की धारणा से प्रेरित नहीं थे और उसी तरीके से जो पूंजीवादी दुनिया है जिस जिसका असर भारत में भी दिख रहा था लेकिन आ, अमेरिका ब्रिटेन इन देशों में जि, जिस तरीके से एक आ, जो संयुक्त परिवार के बजाय एक लघु या न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा बढ़ रही थी जिस तरीके से लोग लगातार ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करने की जीवन शैली को अपना रहे थे उन सब से जो दीनदयाल उपाध्याय थे उन्होंने एक तरीके से अपने भीतर विरक्ति का भाव महसूस किया और उन्हें यह लगा कि दोनों ही जो व्यवस्था है उसमें जो राजनीति होती है जो अर्थव्यवस्था होती है उनका केंद्रीकरण होता है पूंजीवाद में इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति एकत्रित हो जाती है और जो सोवियत यूनियन जैसी व्यवस्थाएं थी वहां पर इसलिए क्योंकि जो पूरी शक्ति होती है और सत्ता का जो पूरा स्रोत होता है वह पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में या फिर जो सर्वोच्च नेता है उसके हाथों में चला जाता है और दींदयाल उपाध्याय कहते हैं कि इसी वजह से दोनों विचार अति अमानवीयकरण को बढ़ावा देते हैं जिससे व्यक्ति अपना स्व विकास करने में खुद को अक्षम पाता है वे कहते हैं कि मानव जाति में शरीर मन बुद्धि और आत्मा चार पदानुक्रमित गुण होते हैं यह धर्म नैतिक कर्तव्यों अर्थ धन संपत्ति, काम इच्छा या संतुष्टि और मोक्ष के सार, चार सार्वभौमिक उद्देश्यों के पूरक होते हैं इनमें से किसी को एक को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है धर्म एक बुनियादी विचार है और मोक्ष मानव जाति और समाज का परम उद्देश्य है उन्होंने दावा किया कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों विचारधाराओं के साथ समस्या यह है कि वे केवल शरीर और मन की जरूरतों पर विचार करते हैं इसलिए वे इच्छा और धन के भौतिकवादी उद्देश्यों पर आधारित हैं जिससे मानव का संपूर्ण विकास असंभव हो जाता है वे कहते हैं कि संपत्ति की लालसा देश धर्म समाज और संस्कृति से व्यक्ति को उदासीन बना देती है अतः व्यक्ति विवेकहीन और असामाजिक होता है इससे वो व्यक्ति तो कष्ट उठाता ही है इसके साथ संपूर्ण समाज भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है ऐसे सभी व्यक्ति धनोपार्जन को साधन नहीं बल्कि साध्य मानने लगते हैं संपत्ति से प्राप्त भोगों की कोई सीमा नहीं होती वो लालसा असीमित होती है इसी वजह से व्यक्ति के साथ साथ समाज के भी भ्रष्टाचारी और अकर्मण्य होने की आशंका लगातार बनी रहती है अपने आर्थिक विचारों में दीनदयाल रोजगार को विशेष महत्व देते हुए कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार राज्य का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए भारतीय राज्य हर कारगाम कार कामगार को भोजन के विचार पर चलता है दीनदयाल कहते हैं कि वे इस कार्य को करने के बजाय राज्य को प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देना चाहिए वे चाहेंगे कि राज्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को जोर दें यानी कि वो भोजन देने के बजाय लोगों को स्वावलंबी बनाने पर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हैं और हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि मौजूदा समय में बहुत सारे जो सरकारी हैं राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी वह इस तरीके से रोजगार का उत्पादन करने के बजाय जनसंख्या को कुछ हद तक सुविधाएं देने मिसाल के तौर पर कुछ अनाज दे देने या कुछ अन्य सुविधाएं देने पर ज़्यादा भरोसा कर रही हैं पर दीनदयाल उपाध्याय का विचार इसके विपरीत है और वह यह चाहते हैं कि जो कामगार हैं उन सबको रोज़गार मिले और ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ भोजन उपलब्ध कराने तक ही पूरी व्यवस्था को सिमटा दिया जाए राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को भोजन के साथ साथ इतना कुशल भी बनाया जाए कि उन्हें काम भी मिल सके उनके आर्थिक सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं वो चाहते थे कि इन विचारों को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू किया जाना चाहिए पहला प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम एक सामान्य जीवन स्तर उपलब्ध होना चाहिए और इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए और उस व्यक्ति को राष्ट्र सेवा के लिए भी तत्पर रहना चाहिए दूसरा व्यक्ति के सामान्य जीवन स्तर में अत्यधिक वृद्धि का प्रयास होना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र दोनों अपनी अपनी चित्ती के आधार पर विश्व की प्रगति में प्रगति में योगदान दे सकें उसमें सार्थक भागीदारी बन पाएँ दे पाएँ तीसरा हर सक्षम नागरिक को समर्थ सार्थक रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उपरोक्त लिखित दोनों उद्देश्यों को वास्तविक रूप से हासिल किया जा सके साथ में ये भी सुनिश्चित हो कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का आकारण उपयोग ना हो इसे संचित करके रखा जाए और इन संसाधनों की बर्बादी ना हो चौथा उत्पादन के विभिन्न साधनों की प्रकृति और उपलब्धता को ध्यान में रखकर भारतीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी के अनुकूल ही मशीनों का विकास किया जाना चाहिए और यह एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण विचार है और तीस की वो प्राकृतिक संतुलन या पर्यावरण की तरफ भी जो दीनदयाल उपाध्याय की एक चिंता थी उसकी वो रेखांकित करता है हालांकि उस समय तक पर्यावरण आंदोलन पूरी तरीके से उभर कर सामने नहीं आया था पर वो इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत ऐसे तकनीक को या ऐसे प्रौद्योगिकी को भारत में ना थोपा जाए जो यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ना हो पाँचवें स्तर पर वे कहते हैं कि देश की आर्थिक नीतियाँ और प्रणाली मनुष्य और व्यक्ति विशेष की मददगार होनी चाहिए उसे निरस्त या खारिज करने वाली नहीं ये समस्त नीतियाँ अर्थतंत्र के साथ साथ सांस्कृतिक और जीवन के अन्य मूल्यों की रक्षा करने वाली होनी चाहिए छठा उद्योगों पर स्वामित्व पर दीनदयाल का विचार था कि राज्य निजी या किसी भी अन्य रूप में उद्योगों पर स्वामित्व हमेशा तथ्यात्मक और व्यवहारिक आधार पर ही तय किया जाना चाहिए यानी कि वो सीधे तौर पर राज्य के स्वामित्व या निजी स्वामित्व में से किसी एक की वकालत नहीं करते हैं बल्कि वो कहते हैं कि जैसी स्थिति हो व्यवहार के हिसाब से जो उचित लगे वह किया जाना चाहिए कुल मिलाकर दीनदयाल आर्थिक नीतियों में स्वदेशी और विकेंद्रीकरण दोनों के प्रबल समर्थक थे और केंद्रीयकरण को आर्थिक विकास के प्रमुख बाधाओं में से एक मानते थे केंद्रीयकरण का विरोध करते हुए वो कहते हैं कि भारत ने आज़ादी के कुछ ही सालों में केंद्रीकरण और एकाधिकार की प्रवृत्ति व्यक्तियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है दीनदयाल ने स्वदेशी का भी समर्थन किया वे कहते हैं कि स्वदेशी की अवधारणा और विचारों को पुरातन और प्रतिक्रियावादी समझा जाता है और सभी इसका मजाक उड़ाते हैं हम भारतीय विदेशी सामानों को गर्व से खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं इसके कारण हमारी सोच अर्थ प्रबंधन पूंजी एवं उत्पादन के तरीके प्रौद्योगिकी इत्यादि से लेकर उपभोग करने तक हर चीज़ के लिए विदेशी आयात और सहायता पर हम अत्यधिक निर्भर हो चुके हैं भारत सरकार द्वारा चुना गया यह रास्ता देश की अर्थव्यवस्था को प्रगति और विकास के रास्ते की ओर नहीं ले जा सकता यह भारत को मानसिक गुलामी की ओर ले जा रहा है भारत अगर स्वदेशी को बढ़ावा नहीं देगा तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का पतन हो जाएगा या अर्थव्यवस्था पतन के रास्ते पर आगे बढ़ेगी उनका मानना था कि स्वदेशी के सकारात्मक पहलू को स्वीकार करने से देश प्रगति करेगा और आत्मनिर्भर बनकर विदेशी निर्भरता को खत्म करेगा अंत में हम उनके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अंत्योदय पर भी विचार करते हैं दीनदयाल का एकात्म मानववाद का सिद्धांत पूंजीवाद साम्यवाद और समाजवाद के मुकाबले एकात्म मानव दर्शन को प्रमुखता देता है इसी एकात्म मानववाद के माध्यम से उन्होंने अंत्योदय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया ताके देश के सर्वांगीण विकास की दिशा सुनिश्चित की जा सके आर्थिक विषमता को देखते हुए उन्होंने इसे दूर करने के लिए सिद्धांत दिया उन्होंने कहा कि देश की अर्थनीति द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि देश के विकास योजनाएं इस तरह निर्धारित हों कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का सबसे पहले विकास हो उनका ये अटूट विश्वास था कि भारतीय समाज के उपेक्षित व शोषित व्यक्ति एवं वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए वे मानते थे कि आर्थिक समानता समाप्त आ, करने का कार्य यानी आर्थिक असमानता समाप्त करने का कार्य सिर्फ अंत्योदय के सिद्धांत से ही संभव है अंत्योदय में निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं गरीब पिछड़े और वंचित तबके को पक्के सुंदर एवं स्वच्छ घर इन समुदायों के बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा रोजगार एवं जीवन दर्शन का ज्ञान देना इन समुदायों को उद्योगों और धर्म की दीक्षा देकर आय को सम्मानित स्तर तक पहुंचाना। वे अंत्योदय के माध्यम से आर्थिक असमानता की खाई को पाटना चाहते हैं क्योंकि धन संपत्ति का अभाव और प्रभाव दोनों समाज के लिए घातक है भारतवर्ष की समस्त नीतियाँ योजनाएँ तथा आर्थिक कार्यक्रम कमजोर वर्ग और समूहों का जीवन स्तर सुधारने के लिए बननी चाहिए इससे सभी राज्य और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और उन्हें समाज के अन्य वर्गों और समूहों के साथ बराबरी करने का अवसर मिल पाएगा तो ये जो उनकी जो अंत्योदय की पूरी का पूरा विचार है उसमें वे चाहते हैं कि समाज में जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है जो सबसे निचला अनिचले स्तर का व्यक्ति है उसकी मदद की जाए अलग अलग प्रकार की योजनाओं को बनाकर और तभी जब ऐसे लोग समाज के मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे तभी उसी स्थिति में देश का वास्तविक विकास हो पाएगा अब ये जो अंत्योदय की विचारधारा है वो महात्मा गांधी के भी आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के आंसू पोछने या दरिद्र नारायण की सेवा करने के विचार के काफ़ी निकट हैं और इसमें राज्य की जो भूमिका है उसको दीनदयाल उपाध्याय ने काफ़ी अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया है अगर हम दीनदयाल उपाध्याय के पूरे चिंतन को एक आलोचनात्मक निगाह से देखें तो कुछ आलोचनाओं की बात मैंने पहले की है मिसाल के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से एकात्मानवाद में राष्ट्र और एक धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की और जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे समाज में एकता लाने के लक्ष्य को रखा और जिसमें वो अलग अलग पंथों को स्वायत्तता देने की बात भी करते हैं वह राष्ट्र का जो धर्म है वह निश्चित रूप से जो बहुसंख्यक समुदाय होगा उसका धर्म होगा तो ऐसी स्थिति में या पूरी तरीके से वो धर्म लाभ हो तो उस धर्म का यानी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म के या धार्मिक मान्यताओं के महत्वपूर्ण तत्व उसमें सम्मिलित होंगे तो इसमें यह खतरा है कि जो दूसरे समुदाय हैं वो इसमें अपने आप को उपेक्षित स्थिति में महसूस करें अगर हम राजनीतिक सिद्धांत में बहुसंस्कृतिवाद से जुड़े वाद विवाद को देखें तो उसमें इसी तरह की बात कही जाती है कि अगर एक अस्सी तरह के लोग अस्सी प्रतिशत लोग एक जैसे हैं और पूरी स्थिति एक जैसी बनी हुई है किसी के साथ जबरदस्ती नहीं हो रही है कि वो एक खास तरह के धर्म को ही माने तब भी जो 80 प्रतिशत लोग होते हैं उनका जो एक सांस्कृतिक आ, उनकी जो सांस्कृतिक आभा होती है या उनकी जो सांस्कृतिक मौजूदगी होती है वह अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित करती है और इसीलिए विल किम्लिका या चार्ल्स टेलर और दूसरे कई सिद्धांतकारों ने इस पर जोर दिया है कि बहुत ही मजबूती से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए तो ये जो जिस धारा के आधार पर दीनदयाल उपाध्याय एक एकता को स्थापित करना चाहते हैं उसमें यह खतरा मौजूद है कि वह कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदायों को उपेक्षित कर सकता है हालांकि दीनदयाल उपाध्याय इसे काफी उदार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं दूसरे स्तर पर वह जिस रूप में संघवाद को नकारते हैं वह भी एक बहुत आकर्षक विचार नहीं माना जा सकता है क्योंकि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो विविधता को कुचल देगी और उस विविधता को कुचलने से जो एकता बनेगी वह कृत्रिम एकता होगी तो इस रूप में आ, उनका यह उनकी चिंता यह जाए जरूर हो सकती है कि एकता के तत्व तो पर भी ध्यान दिया जाए लेकिन उसके लिए संघवाद को नकारना केंद्रीकरण का समर्थन करना ये सब अनपेक्षित चीज़ें हैं और यह समस्या को और ज़्यादा जटिल बना सकता है तीसरे स्तर पर जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, हैं वह जिस रूप में लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं उसमें वो राज्य को लोगों को शिक्षित करने उन तक सूचनाओं को पहुंचाने की बात करते हैं लेकिन शायद यह जिम्मेदारी राज्य से स्वतंत्र होनी चाहिए और लोगों को दूसरे कई स्वतंत्र साधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे वो जानकारी हासिल कर पाए क्योंकि अगर यह जिम्मेदारी राज्य को दी जाएगी तो राज्य इसको पूरी तरीके से अपने मनमाफिक माहौल बनाने के लिए आ, इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसके कई उदाहरण हिंदुस्तान में भी और दुनिया के अन्य भागों में मौजूद हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोकतंत्र की या पार्टियों के व्यवहार के बारे में दीनदयाल उपाध्याय ने कही वह निश्चित रूप से आ, कुछ हद तक सही मानी जा सकती है लेकिन उसमें भी समस्या यह है कि वह बहुत ही आदर्श रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं यानी कि वो विचारधारा की बात करते हैं कि लोगों को उम्मीदवारों का विचार की विचारधारा देखनी चाहिए उसके पैसे को नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व को देखना चाहिए पार्टियों को भी उम्मीदवारों की विचारधारा के प्रति समर्पण को ध्यान में रखकर उनको टिकट देना चाहिए तो ये एक तरीके से दूर से आकर्षक लगने वाले विचार हैं पर व्यवहारिक राजनीति में ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं दीनदयाल उपाध्याय ने यहां तक कहा कि किसी उम्मीदवार को जाति देखकर उसको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन खुद उनकी पार्टी भी कुछ हद तक पहले ऐसा करती रही और बाद के दौर में तो यह राजनीति की एक परिपाटी भी बन गई और कई सारे लोग मिसाल के तौर पर रजनी कोठारी और कई अन्य लोगों ने यह तर्क दिया है कि यह एक गलत चीज नहीं है बल्कि यह वंचित तबकों के राजनीतिकरण का एक माध्यम है बहरहाल हमें फिर भी यह याद रखना चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय एक महत्वपूर्ण चिंतक के रूप में स्वतंत्र भारत की राजनीति में सामने आते हैं और उन्होंने बहुत ही गहनता के साथ इन मूल अपने विचार से जुड़ी हुई बातों को सामने रखा जिन चीज़ों पर उनकी आस्था थी उनको उन्होंने खोलकर सामने रखा और यह बताया कि जो एक संस्कृति होती है और जो एकता एक का तत्व होता है वो महत्वपूर्ण होता है और उसी के आधार पर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं सिर्फ विविधता की बात करने से बहुत कुछ नहीं होगा उन्होंने कहा कि सिर्फ विरोध करने से भी कुछ नहीं होगा एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन या रचनात्मक विपक्ष होना चाहिए बात बात पर सड़क पर उतरने की राजनीति भी बहुत आकर्षक नहीं है तो एक लिहाज से वह लोकतंत्र को एक अलग दिशा में या सही दिशा जो उनके हिसाब से थी उसमें ले जाने की कोशिश करते हैं और इस लिहाज से उनके विचार काफी महत्वपूर्ण हैं और यह भी याद रखने की बात है कि जो विचार हिंदू महासभा या फिर गोलवलकर के विचारों में ज्यादा कट्टर या कठोर रूप में सामने आते हैं उन्हें दीनदयाल उपाध्याय ज्यादा उदार और समावेशी रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय की इस पूरी चर्चा में मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी मिली होगी कि उनकी राजनीति क्या थी उनका जीवन कैसे गुजरा और उन्होंने किन मुख्य बातों पर जोर दिया और मुझे ये उम्मीद है कि आप उनके बारे में उनके विचारों के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे और उनके बारे में अपनी समझ को और गहरा बनाने की कोशिश करेंगे आज की इस एपिसोड को मैं यही समाप्त करता हूँ अगले अंक में हम मिलेंगे और किसी अन्य भारतीय राजनीतिक चिंतक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार